हम लोग कितने प्रिटी लग रहे हैं ना। कंग्रेचुलेशन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया चौहान एंड ही इज पंकज चौहान। सो फाइनली वी आर गोइंग समवेयर आफ्टर सो लॉन्ग। आफ्टर आई थिंक 6-7 months हो गए होंगे। लास्ट अगस्त में हम लोग गए थे। हाँ, शिमला मशोबरा गए थे और उसके बाद नहीं गए। और आई एम श्योर इससे पहले मैं एक वीडियो जरूर डालने वाली हूँ कि हम क्यों नहीं जा रहे थे, ट्रैवल नहीं कर रहे थे। तो इस वीडियो में नॉर्मली है क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग। सो गोइंग एनी वेयर। और डॉक्टर ने भी मना कर ही रखा था कि नहीं जाना है कहीं ट्रैवल। हमने सोचा है कि कहीं दूर नहीं जाना, बस आसपास कहीं ऐसे ही छोटा मोटा वन डे के लिए, एक स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं। कोई अच्छे होटल में रह लेंगे और मुझे लगता है उतना ही बहुत हो जाएगा अभी के लिए, क्योंकि वही होता है ना कि डूबते को सहारा ही काफ़ी होता है। तो हमारे लिए आई थिंक वही बहुत हो जाएगा कि वहाँ रह लेंगे और थोड़ा सा एक होता है ना, एक अपना एक टाइम होता है, क्वालिटी टाइम जो होता है घर पे नहीं हो पाता है, क्योंकि घर पे 10 काम होते हैं, ऑफिस का काम अलग, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो फील ही आता है घर पे भी ऑफिस वाला है, घर वाला ही फील आता है। तो मी ऑलवेज ये प्लान बनते हैं कहीं घूमने के। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ टाइम बाद जब डिलीवरी वगैरह हो जाएगी तो फिर 6 महीने तक मुझे लगता है कहीं जाना हो ही नहीं पाएगा। तो ये मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है और ज़्यादा रिस्की भी नहीं है इस टाइम पे, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर होम। तो अभी हम निकल चुके हैं और आई थिंक 5-7 मिनट हो भी गए हैं निकले हुए, तो हम पहुँच भी जाएंगे 20-25 मिनट में। और या आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि इतने टाइम बाद जा रहे हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ और एक्साइटेड हूँ। व्हाट अबाउट यू? आगे देखकर ही बात कर लो, जरूरी नहीं है, कंसंट्रेशन भी करना है। क्या फील आ रहा है भाई, ऐसे घूमने जा रहे हैं है ना? सामान वामान रखा है तो फील आ रहा था कहीं जा रहे हैं। जाते तो थे ही आसपास, इससे कम, इससे ज्यादा डिस्टेंस पे जाते, लेकिन अभी सामान वामान रखना थोड़ा सा फिर फील। हाँ, तो देखते हैं अभी कैसा रहता है वहाँ पे। 2 बजे जाना था और एज यूजुअल हम टाइम से तो उठते हैं नहीं, मतलब हम तो नहीं जनाब टाइम से नहीं उठते हैं, तो वो 1-2 घंटा तो हम लेट होते हैं, ये तो मान के चलना है। बट कोई नहीं, ठीक है, हमें वैसे भी चिल करना है वहाँ जाके, ऐसा कुछ पत्थर तो तोड़ने नहीं है और कोई ऐसे साइट सीन करना नहीं है, अपना चिल करना है, मजे करने हैं होटल के। और एक्चुअली क्या होता है, कहीं हम घूमने जाते हैं ना तो होटल में सिर्फ यही होता है सोने के लिए, रात रात में हमें टाइम मिलता है। वैसे हम कुछ ऐसे कुछ क्या बोलते हैं उसको, फायदा तो उठा नहीं पाते। तो आज लगता है, देखते हैं वैसे सब सही हो, पैसे वसूलने हैं हमने आज, ठीक है ना, जितने हमने गवाए हैं हमने इतने सालों के करियर में, तो हमें आज पूरे वसूलने हैं। और या देखते हैं और क्या क्या करते हैं वहाँ पे। और इससे पहले एक वीडियो मैं डालूंगी, वो भी मैं सोच रही हूँ वहाँ जाके बनाऊँ, बट लेट्स सी हो पाता ही नहीं पाता। जनाब को मैं इतने टाइम से बोल रही हूँ, जनाब क्यों बोलने लगी मैं तुम्हें? ये मेरा नहीं है नाम, क्यों ने दिया है तुम्हें नाम? वो करने जा रही हूँ एक्चुअल में इंजॉय और रिलैक्स, आई होप वो कर पाऊँ। बाकी तो कुछ नहीं भी होगा तो चल जाएगा, वो तो घर पे आके भी वीडियो बन जाती है। और या अभी के लिए तो आई थिंक इट्स यही है।
कैसा लगा स्वागत आपका? स्वागत अच्छा था। आते ही हमारे लग गए, दो चीजें हो गई, एक तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा बुक हुआ वो हुआ एक के लिए, और वो एक का पे हुआ था। पता नहीं ऐसा हुआ नहीं कभी, मैंने इतने होटल बुक करे हैं ऑनलाइन, कभी ऐसा नहीं आता कि सिंगल के लिए बुक करना है या डबल के लिए, बाय डिफॉल्ट डबल ही आता है। बट अब मुझे लग रहा है शायद लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते मेरे जैसे तो खासतौर से, और वो कर देते हैं। तो मैंने एक का कर दिया, एक का ही ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। फिर हमने दो का करा तो एक्स्ट्रा चार्जेस ऑब्वियसली लगे, और फिर आते की नहीं चल रही थी, तो फिर की के लिए पंकज दोबारा गया नीचे। तो पता नहीं, स्टार्टिंग तो ऐसे हुई है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। होप सब सही रहे। नाउ आई थिंक वी नीड सम रेस्ट। तो उसके बाद नीचे जाते हैं, पूल वगैरह हमने देख ही लिया है, मैंने तो नहीं करनी है कोई स्विमिंग वगैरह। पंकज इज़ वेरी एक्साइटेड कि स्विमिंग करनी है, क्योंकि कॉलोनी में स्विमिंग वगैरह 2 साल से बंद हुई पड़ी है। सो या चलते हैं। रूम इज़ वेरी गुड, वेरी स्पेशियल, यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, एंड या वेरी कोजी सोफा एंड एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। आई मीन आई लाइक इट द प्रॉपर्टी, और आई थिंक रेडिसन के सारे अच्छे ही होते हैं, अब तक तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है रेडिसन के साथ। ठीक है, मैं करूँ कल, कल बताऊंगा सोच विचार के, भी तो अच्छा उस होगा, मैं सोच चल दो मुझे बता दूंगा मैं। सो क्यों उठी तू? झूठा इंसान, कदम कदम पे झूठ बोलता है। अब ये वीडियो तुम्हारी मम्मी देखेगी ना, ये देखिए ये इंसान फोन पर लगा हुआ है। अरे नहीं नहीं लगे लगे, हम टाइम देख रहे थे, मैं ना टाइम देख रहा था, कभी कभी फोन आ जाता है, नहीं आता तो उस पर, इसलिए आए थे तुम यहाँ। घर में आराम नहीं करते? तो वहाँ काम करवाती रहती हूँ। ओ देखना ये खाली होटल, इसको भरना है बरी से खाली करना। तो तुम्हें मजा आता है अंदर बाहर करने में? नहीं आता? तुम ही खुद बोलते हो मैं बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। बोर नहीं, नहीं मतलब आप कैसे लग रहे हैं यहाँ पे? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। बस काम नहीं, काम तो ऐसे करें जैसे दिन रात ऐसे पत्थर तुड़वाती थी इंसान से। अरे कभी सामान लाओ, कभी ये लाओ, घर का राशन ग्रोसरी, ये बोल ना घर के काम मतलब जिम्मेदारियाँ। हाँ तो बंदे का ब्रेक चाहिए होता है उन जिम्मेदारियों से, बंदा घूमने जाता है, लेकिन हम घूमने नहीं जा सकते तो यहाँ आ गए एटलीस्ट। देखो कैसे चिल कर रहे हैं, मतलब चिल कोई टेंशन नहीं है, कोई साइड थिंग नहीं करना, हमें कहीं नहीं जाना, सिर्फ आराम करना है। सोने के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ होता है करने को, कैसे सोना कोई प्रायोरिटी हो सकती है किसी की? आने वाले टाइम पे ना उससे शादी करनी चाहिए जिनको वीडियो बनानी आती हो, और अपनी लड़की की शादी करना है लड़के से। हाँ मैं तो पहले ये देखूंगी, मैं कमाता हूँ तो बाद में हो, और उसको वीडियो और फोटो का इंटरेस्ट, अच्छी अच्छी फोटो और वीडियो बनानी आती हो, बस फिर तो लाइफ सेट है। लड़का होगा तो कोर्स कराओगे वीडियो बनाने का? लड़का होगा, लड़का हो तुम देखना, तुम करवाना ना, लड़की जो उसके साथ आएगी बिचारी, उसको भी तो चाहिएगा पति ऐसा। बिचारी अब मुझे से बिचारी, अब मुझे लड़के को तो आन दो, और लड़की आएगी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंजॉय बेबी, सो खूब सो आप, आज मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगी, कोई काम करने को नहीं बोलूंगी, सुनने दो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर,
ये तो बहुत सही काम कर रहे हो तुम। अपनी वीडियो, अपनी शक्ल देख रहे हो वीडियो में। ₹300 की चाय। Cheers. तो अच्छा हमने बाहर से मंगवा लिया कुछ, जैसे यहाँ तो लेने के देने पड़ जाते हैं। बाहर से हमने मंगवाया है समोसा, चटनी है। ये मुश्किल से 20-25 रुपए के समोसे। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम जस्ट उठे हैं एंड 10 ही बजने वाले हैं और 10:30 तक ब्रेकफास्ट होता है। एक्चुअली हम उठे नहीं हैं, हमें उठना पड़ा क्योंकि अगर हम थोड़ा भी लेट होंगे तो ब्रेकफास्ट स्किप हो जाएगा। एंड वी एक्चुअली पेड एक्स्ट्रा फॉर ब्रेकफास्ट। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि सिंगल की बुकिंग हो गई थी, सिंगल गेस्ट की, और बाय मिस्टेक भी कह सकते हो, और ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी ऑप्शन था नहीं। मैंने इतने सारे बुक करे हैं होटल्स, और मैं ही करती हूँ एक्चुअली, तो कल मैं यही बता रही थी। बट ठीक है, इट्स अ लर्निंग, आगे से ध्यान रखूँगी मैं और कॉन्शियस रहूँगी वाइल बुकिंग। तो अब ये था कि पे किया है तो भैया टाइम से उठो। रात को मैंने कोई व्लॉग भी नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा था कि एक क्वालिटी टाइम जो हम एक्चुअली बिताने आए थे यहाँ पे, वो हमने बिताया, खूब बातें करी। काफ़ी टाइम से हम बातें तो करते थे बट वो अच्छी वाली, एक पॉजिटिव वाली और फ्यूचरिस्टिक, ये सब चीज़ें कम हो रही थी बिकॉज ऑफ हमारी अलग अलग शिफ्ट चल रही थी। तो वो कल करी, इन्जॉय करा और बहुत रिलैक्सिंग था एंड इट वॉज़ अ गुड ट्रिप एक्चुअली, अगर ये पार्ट में हटा दूँ। ठीक है, पैसों का कुछ नहीं है बट इट जस्ट एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी आते हो इन फ्यूचर तो अच्छे से चेक करके आना, मेरी तरह नहीं जल्दी जल्दी। दैट द ओनली थिंग, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। अभी पंकज को बुलाती हूँ क्योंकि 10:30 तक सब ख़त्म होने वाला है, उसके बाद मुझे लगता है कोई नए चार्जेस लग जाए। और ठीक है, अब तो मुझे ज़्यादा कुछ है नहीं, 12 बजे चेकआउट है। सोचा था कुछ एक आध वीडियो बनाऊँगी बट मुझे ऐसा फील हो नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा, बट लेट्स सी, कुछ तो बनाऊँगी, रील्स बना दूँगी, कुछ तो करूँगी। ये तो मेरा मतलब होता है कि कुछ तो करके जाना है। आए हैं तो कुछ बना के ही जाऊंगी। सो या मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद, ब्रेकफास्ट करते एंड सी यू आफ्टर सम टाइम, बाय। रेडी, तैयार हो गई हूँ, ब्रेकफास्ट कर लिया जम के। अब ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, सोचे एक आध फोटोशूट कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और अरे हाँ, अभी केक कटिंग नहीं करी ना, पेस्ट्री कटिंग। मैंने सोचा था प्रेगनेंसी के लिए हमने ऐसे कुछ सेलिब्रेट सा नहीं किया, तो पर्सनली कर लेते हैं एंड या उसके बाद चलते हैं घर। वीडियो बनानी थी, नहीं बनाई है, लेट्स सी बनती है नहीं बनती है, बनेगी तो जरूर, घर जाके बनवाऊंगी। पंकज ने दोबारा स्विमिंग कर ली है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग,
अच्छी बात है, मैंने कहा तब तक मैं तैयार होती हूँ। और यहाँ देखो लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है, वाओ। एंड दिस इज दी, क्या कल देख ही लिया होगा बाहर के नज़ारे, सिटी व्यू। सो यार इट वाज गुड एक्सपीरियंस, खाना वगैरह सब अच्छा था, ब्रेकफास्ट तो ऑसम था, मैंने तो जम के खाया और मेरा पेट वैसे ही इतना फूल रहा था। मैं पहले इतनी मोटी हो रही हूँ, मोटी क्या मतलब, हाँ प्रेगनेंसी में तो और ज़्यादा ऐसे फूल गया है। सी इट्स अ गुड आइडिया, कल को कभी आना भी होगा बेबी के साथ तो हम आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे नहीं कहीं और एक दिन का स्टे ले लो। और सो ये हमारा मिनी सा केक है फॉर अस। Congratulations for our YouTube। कुकू के नाम का यही बोलते हैं ना। Congratulations। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इसके बाद अब रैप अप करते हैं सब, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। एंड आई थिंक आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर, इसके बाद अगर कुछ होगा तो मैं करती हूँ, अदरवाइज आई एम सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हेलो बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Bye. Sayonara. Tata.